हमारे साथ जुड़ रही हैं साधना भारती जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। साधना जी नमस्कार। नमस्कार, मैं अमित बोल रहा हूँ यहाँ INS TV नोएडा स्टूडियोज से। ये बताइए, 5 राज्यों के जो नतीजे अब तक आए हैं, आप कैसे देखती हैं कांग्रेस के प्रदर्शन को? देखिए, जो रुझान इस समय पर है उन्हें देखकर बहुत, मुझे लगता है हम ये कह सकते हैं कि बहुत खुश होने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। नतीजे बहुत हमारे पक्ष में नहीं है और मुझे लगता है इस पर आत्मचिंतन मंथन की आवश्यकता अवश्य है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ ये कहूंगी कि ये जो चुनाव रहा इसमें मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो गए, लेकिन वो सजीव अभी भी है। चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पेट्रोल डीजल आजादी के बाद पहली बार 100 के पार हो, महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न, हाथरस, उन्नाव, बदायूं, बुलंदशहर, छतारी में रहा हो, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का बलात्कारियों के प्रति संरक्षण की भावना, आरोपियों को बचाते रहना, ये सब वहां की जनता ने देखा और झेला है। और बेरोजगारी को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने किस तरह झेला, कोरोना काल में कैसे रामनामी की चादरें उघाड़ी जा रही थी, कुत्ते किस तरह नौच रहे थे, गंगा जी में लाशें कैसे तैर रही थी, गंगा जी के किनारे कैसे हिंदू संस्कृति के विरुद्ध दफनाई गई, ये मुद्दे खत्म नहीं हुए, ये वहीं पर हैं। हाँ, लेकिन हम शायद इन मुद्दों को समझाने में कहीं ना कहीं थोड़े से असमर्थ हुए, इस बात को मैं जरूर मानती हूं। क्यों नहीं समझा पाई ये मुद्दे कांग्रेस पार्टी वोटर को? मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के पैमाने पे जनता को बिठाने में, फिट बिठाने में मुझे लगता है सफल हो गई। इन्होंने जाति धर्म के नाम को धंधा बनाया, कहीं हिंदू की बात की, अली बजरंगवली की बात की, कब्रिस्तान शमशान की बात की, कभी 80 और 20 की बात की, और उसमें घेरने का काम किया, कहीं जाट लैंड बता दिया, कहीं मौर्य लैंड बता दिया, कहीं लोधी लैंड बता दिया, कहीं मुस्लिम लैंड बता दिया, तो इस तरह से घेरने का काम किया। लेकिन इस हार से मुझे लगता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं INS के माध्यम से जितने भी कांग्रेस के कर्मयोगी कार्यकर्ता ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं मुझे, मैं चाहूंगी उनको बोलना कि सर्व समर्पण के रण में अगर हारे भी तो हार नहीं, और जो हार कर फिर लौटा रण में वही असल विजेता है। तो मुझे लगता है हार के भी हम रण में लौटे, और गांधीवादी और गॉडसेवादी विचारधारा में जो लड़ाई विगत वर्षों में चल रही है, जो भाजपा की गॉडसेवादी विचारधारा और हमारी गांधीवादी विचारधारा, हम उसको लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 1957 का जब चुनाव था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे, देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी तो जमानत जब्त हुई एक बार, मथुरा से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने उन्हें हराने का काम किया। एक समय वो 3-3 लोकसभा से लड़े और जीते, सिर्फ एक लोकसभा से जीत पाए, तब प्रधानमंत्री बने। तो मुझे लगता है आज जो जनमत आया है उसमें आप भाजपा को बधाई देंगी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर के लिए? देखिए, ये तो जनमत है और जनादेश सर आंखों पर होना चाहिए, और बिल्कुल जो जिस दल को अगर ये रुझान नतीजों में शाम तक तब्दील होते हैं तो बिल्कुल बधाई देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नफरतवादी, घृणावादी, और जो जनता को मुझे लगता है कहीं ना कहीं महंगाई की मोदी मार, योगी मार, और जिस तरह से त्रस्त किया जनता को, अब वैसा ना करके जो वादे किए हैं उन्हें निभाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई वादा पूरा नहीं हुआ ये बोलने में मैं आज भी गुरेज नहीं करती, ये बात अलग है। वोटर को तो आप समझदार मानते हैं? देखिए, वोटर हमेशा समझदार है, जनता सब समझती है, लेकिन जनता को किस तरह से, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने जो काम जाति धर्म को भुनाने में किया, जो मैं हमेशा से हर डिबेट में ये बोलती आई, उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतरी तब भी मैंने ये बोला कि भाजपा में चुनाव आते ही जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं, और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं, और मुझे लगता है आज वो सटीक बैठी है वो वाली बात। तो साधना जी, उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग रहा था, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, तो 40 सीटें जो महिलाओं को दी गई, क्या ये प्रयोग फेल रहा, या आने वाले राज्य जो चुनाव है हिमाचल गुजरात में भी ये प्रयोग कांग्रेस कर सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसका तो समर्थन सभी को करना चाहिए, चाहे वो इसे तो दलगत राजनीति से उठकर इसका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए, 40% महिलाओं को टिकट देना हमने करके दिखाया, 400 पर हम 30 साल बाद 400 सीटों पर हम लड़े, जिसमें से 159 पर हमने महिलाओं की दावेदारी देने का काम, प्रत्याशी बनाने का काम किया। निर्णय जो आए वो हमारे भले पक्ष में नहीं है, लेकिन ये ऐतिहासिक निर्णय और ये आगे होना चाहिए और प्रत्येक दल को इसे अपनाने का काम करना चाहिए। जी, पंजाब में आप कैसे देखती हैं, क्या घर की जो लड़ाई थी उसमें बहुत नुकसान हो गया? मुझे लगता है घर की लड़ाई ना कहके, मुझे लगता है कि आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हमें शायद
समय से पहले उनके पद के लिए एक एक्शन ले लेना चाहिए था, जो हमने थोड़ी देरी की उसमें। और क्योंकि चन्नी जी ने जो काम किया उनको बहुत कम समय मिला काम करने का, फिर भी बहुत सकारात्मक रूप से वो आगे बढ़े। शायद यही है कि आम आदमी पार्टी ने इतना कड़ा मुकाबला देकर आज वो सफलता की चरम छूने के लिए आप तैयार हैं। आप देख रहे हैं रुझान किस तरह से दिखा रहे हैं। तो हम जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन एक चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूंगी, क्योंकि कल एक बहुत लंबी वार्तालाप और बड़ी बहस चली ईवीएम को लेकर। तो देखिए, ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं हो सकता वो अलग विषय है। कहते हैं कि ईवीएम बड़े पैमाने पर हैक नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो भाजपा के आडवाणी जी क्यों कहते थे जब विपक्ष में थे, क्यों जीवीएल जी ने किताब लिख दी डेमोक्रेसी एट रिस्क की, कैन वी ट्रस्ट ऑन ईवीएम और नॉट, उन्होंने किताब लिखी खुद। तो मैं ये कह रही हूँ, चलिए हैकिंग की अगर बात ना करें तो ईवीएम को ये लेकर कहां जा रहे थे, कचरे के ढेर में कैसे ईवीएम मिला? और अगर बनारस में मान लिया गया कि त्रुटि है कमिश्नर के द्वारा, तो अगर त्रुटि है तो डीएम को क्यों बचाया गया, और त्रुटि नहीं है तो एडीएम को क्यों कार्यमुक्त किया गया? ये सवाल साथ ही साथ चुनाव आयोग पर मेरा एक शंका है, आरोप नहीं है, मैं कहूंगी शंका है, कि डुमरियागंज में जब भाजपा के प्रत्याशी और विधायक रहे राघवेंद्र जी, वो कहते हैं कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा मैं कि वो हिंदुओं की औलादे हैं कि नहीं। हैदराबाद के भाजपा के विधायक उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आते हैं तो धमकाते हुए कहते हैं जनता को कि वोट भाजपा को करना, नहीं तो बुलडोजर फिरवा देंगे, घर पर चिन्हित कर लिया गया है। ये इस तरह की जब बातचीत की गई तो चुनाव आयोग ने क्यों नहीं संज्ञान दिया, क्यों गंभीरता से उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ये एक प्रश्न है। और मुझे लगता है लोकतांत्रिक अधिकारों का अतिक्रमण अगर अहंकार के आवेश में आके कोई भी सत्ताधीश दल करता है तो उसके लिए समूचे विपक्ष को लोकतंत्र का प्रहरी बनकर एकजुट होकर एक आवाज को उठाना होगा, हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। इस समय मुझे लगता है वो बेहद जरूरी है। साधना जी, गोवा में भी कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं, तो क्या आप मान रही हैं पांचों राज्य में ही अब कांग्रेस कहीं नहीं है, या कुछ अभी समीकरण गोवा में बन सकता है? देखिए, ये जो आप समीकरण की बात, शायद इसीलिए अब आप कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने समीकरण ना होते ही समीकरण बना लिया था। तो मैं ये कहूंगी कि जनता द्वारा जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है आदरणीय, लेकिन धन बल और छल बल से लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाना भाजपा को बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो काम नहीं करती। जनादेश देखिए, शाम तक सब चीजें बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना के चलते बूथों की संख्या बढ़ाई गई, क्योंकि हम चाहते थे भीड़ कम हो, तो वो काउंटिंग थोड़ी सी लेट भी होगी, तो उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर शाम तक रुझान नतीजों में बदलते हैं तो हम भाजपा को और आम आदमी पार्टी को बधाई देंगे और अपना आत्मचिंतन मंथन करेंगे, लेकिन मुद्दे सजीव रहेंगे और उनको लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी शुक्रिया साधना जी। इस समय हमारे साथ सुदेश वर्मा जी भी जुड़ रहे हैं, भाजपा के नेता। सुदेश जी, अब तो काफी रुझान परिपक्व हो गए, क्या तस्वीर लग रही है आपको? देखिए, हम लोग जैसा सोचे थे उसी तरह का रिजल्ट है, और हम लोग सोच रहे थे कि 275 से 300 सीट आएगी हमारी, हालांकि मीडिया ने हमें बहुत नैरो मार्जिन से ही जिताया था उत्तर प्रदेश में। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारा जो आकलन था, जो कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर डिपेंड करता है, आप लोगों के कहने पर भी डिपेंड करता है, तो एक हमारा जो एनालिसिस था वो सही हुआ। और भारत की जनता, खास करके इन प्रदेशों की जनता को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने गुड गवर्नेंस को, विकास को वोट दिया, और मोदी जी पर, योगी जी पर, धामी जी पर, बाकी जो हमारे नेता है उन पर अपनी आस्था दिखाई, तो निश्चित ही हमें बहुत कॉन्फिडेंस देगा कि विकास के कार्य को और तेजी के साथ बढ़ाएं। जी, पंजाब में आपको लगता है कि आने वाले सालों में भाजपा का प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो बिल्कुल प्रभाव नहीं दिखा इस बार? देखिए, निश्चित ही बढ़ेगा अगर भाजपा का आप सही आकलन करना चाहिए तो। देखिए, भाजपा कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं थी पंजाब में, हम अकालीस के साथ थे। क्यों थे अकालीस? क्योंकि राष्ट्रीय एजेंडा हमारे लिए सर्वोपरि रहा है, हिंदू सिख यूनिटी के लिए। आपको याद है कि वो दौर कितना वैमनस्य था, दोनों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक अलायंस किया, जो अलायंस ने वो दिखाया कि वो बहुत कुछ कर सकता है। आज अगर पंजाब एकजुट है, पीसफुल है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस अलायंस को जाता है, लेकिन वो अलायंस नहीं रह पाया अपने कारणों से। तो निश्चित ही भाजपा को वो मौका नहीं मिला कि भाजपा अपने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ी कर पाए, और अनलेस की वेव लाइक सिचुएशन हो, जो आम आदमी पार्टी के लिए हुआ, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ थी, तो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ थी तो किसको दे, ये मुद्दा था। तो निश्चित ही भाजपा एक अल्टरनेटिव के रूप में नहीं इमर्ज की। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जो सोचा गया था वो नहीं हुआ, तो आम आदमी पार्टी को स्वीप मिला, लेकिन निश्चित ही हमें एहसास देगा कि अगली बार हम अपने बल पर सशक्त रूप से संस्था को खड़ा करके एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट देंगे, और 2024 का जो चुनाव है निश्चित ही डिफरेंट होगा। जी, इस पैनल डिस्कशन में सुदेश जी, साधना जी, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, और वो ये कह रही थी कि भाजपा भले उत्तर प्रदेश में आगे हो, लेकिन वो ध्रुवीकरण उसने किया, और ईवीएम को लेकर भी सवाल उठा रही है, तो आप क्या कहेंगे सुदेश जी?
ये तो हमने तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया पंजाब में, हम तो जीत को, आम आदमी पार्टी की जीत को स्वीकार करते हैं, और हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। अगर अपने अंदर झांक को देखें ना, तो जोतन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई, अगर आप अपने अंदर झांकें तो आपको अपनी खामियां पता लग जाएगी और उन खामियों को आप दूर कर पाएंगे। अगर भाजपा को ब्लेम करके कांग्रेस रिवाइव हो सकती है तो बहुत पहले रिवाइव हो जाती, वो तो होना नहीं है। क्योंकि देखिए अब नई एक रेखा खींची जा चुकी है भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, 2014 के बाद खास करके, वो है विकास की रेखा। और ये विकास की रेखा के कारण ही देखिए हम लोग या तो बहुत जीतते हैं अच्छी तरह से, नहीं भी, अगर हारते भी हैं तो बहुत नैरो मार्जिन होता है, अपने कारणों से हारते हैं। तो हम बहुत इस बहाने में खुश हैं कि हमारा एजेंडा जो है जीता है, वो भारत का एजेंडा है। और हम उम्मीद करते हैं कांग्रेस भी अगर गुड गवर्नेंस मॉडल को अपनाए और हमें कॉन्टेस्ट दे, एक दो जगह ये राज्य में है, वो दिखाए करप्शन के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, जातिवाद के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, नेपोटिज्म के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तो भारत की जनता खास करके युवा वर्ग उस ओर अट्रैक्ट होगा। लेकिन ये कर ही नहीं सकते, जी अगर गांधी परिवार है कैसे करेंगे। साधना जी, कांग्रेस का रिवाइवल बीजेपी को ब्लेम करके नहीं होगा, सुदेश जी कह रहे हैं। देखिए आदरणीय सुदेश जी को मैं ये कहूंगी कि आप जो ये बात कह रहे हैं, देखिए मैंने ईवीएम मशीन के अंदर कोई त्रुटि की बात नहीं की, मैंने ये कहा कि जिस तरीके से ईवीएम दिखाई दी कूड़ेदान में, वो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी त्रुटि है, एक भारी त्रुटि है लोकतंत्र में जिसको कहेंगे, तो मैं उस पर प्रश्न उठा रही थी। दूसरी बात ये कि आप जो ये कह रहे हैं कि हम तो जातिवाद, जातिवाद की बात तो 2017 में भी आप कर रहे थे, और ये जाटलैंड, मोरेलैंड, लोधीलैंड करते फिर रहे थे आप पूरे चुनाव में, सबने देखा। और ये जी जो आप कह रहे हैं मुद्दे, क्या महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या राम नामी की चादरें नहीं उगाड़ी गई? क्या गंगा के किनारे लाशें नहीं थी? हाँ, हम आप जनता के अंदर जाति और धर्म के पैमाने को फिट करने में, उसे जो धंधा बनाने का काम आप करते हैं वो करने में सफल हुए, हम ये कह रहे हैं अपने मुंह से। हम उन पैमानों को नहीं, हम तो चाहते ही नहीं थे जाति धर्म को हम लोग मुद्दा या टॉपिक बनाए, हमने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है और हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं हम आपकी तरह हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं है, भाई साहब आप तो जाति धर्म सबके बात करते हैं, अली बजरंग बली ले आते हैं, हम महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के मुद्दों के साथ लड़ेंगे और आगे जीतेंगे। और मैंने अभी कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा चुनाव 5 बार हारे थे, हार का पैमाना अगर नापा जाए तो उससे ये नहीं होता, देश के प्रधानमंत्री अगर अटल जी जमानत जब्त होने के बाद जब प्रधानमंत्री बन सकते, और मथुरा अयोध्या काशी की बात तो आप करते हैं, मथुरा से ही हारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये पैमाना जीत और हार से, सफलता और असफलता का पैमाना आप माप नहीं सकते, इसीलिए कह रही हूँ हाँ हम हार है, अगर रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं हम हार स्वीकार करेंगे, जनादेश सराखों पर रखेंगे, आत्ममंथन समीक्षा जरूर करेंगे, लेकिन आपको एक सलाह है मेरी छोटी सी कि आप अहंकार के आवेश में मत आया कीजिए, जो कि आपकी सत्ता रही है हमेशा से। जब आप 2 सांसदों की पार्टी थे तब हमने कभी आपका अस्तित्व तो समाप्त करने की बात नहीं की, हम बहुत लंबे समय हिंदुस्तान में शासन किया, लेकिन आप जब सत्ता में आ जाते हैं तो कांग्रेस मुक्त कर देंगे, ये मुक्त कर देंगे, वो मुक्त, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जी सुदेश जी ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात आप ना करें, विपक्ष को भी सम्मान दें, ये कह रही है साधना जी। जी पहले मैं 2-3 बात इन्होंने रेज किया, उसका उत्तर आपके दर्शक जरूर जानना चाहेंगे जी। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है ईवीएम की खराबी, अगर आपको लगता है कहीं कुछ खराबी है, तो उसके लिए मैकेनिज्म है, जो उस मैकेनिज्म से करेक्शन होगा, लेकिन पूरी संस्था पर ब्लेम करना, अगर एक इंसिडेंट कहीं होता है उससे पूरी आप इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब राहुल गांधी जी की आस्था की बात करें, वो हमने थोड़ी ना बोला, कभी वो शिव भक्त हो जाते हैं, कभी वो जनेऊ कहाँ पहना है वो नहीं जानते, जनेऊ ऊपर से पहन लेते हैं, आप जो है नहीं वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कॉम्युनलिज्म यही तो है, आप जो है अगर वो दिखाने का प्रयास करें तो दिक्कत नहीं है। महात्मा गांधी तो राम धुन गाते थे, महात्मा गांधी को किसी ने कॉम्युनल नहीं बोला, राम पर आपकी आस्था है तो आप कॉम्युनल नहीं है, लेकिन अगर आपकी आस्था नहीं है और वोट के लिए आप आस्था दिखाते हैं, जिसने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया था, याद है राम सेतु पर कहा गया था ये फिक्शनल है, मैं जवाब देना चाहूंगी, तो आप एक हमारे धर्म के चीज को फिक्शनल बोल देते हैं और फिर आप मंदिर जाते हैं तो फिर आदरणीय सुदेश जी, आदरणीय सुदेश जी अपनी बातों में थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा। आपने अस्तित्व की बात की, तो जिनके साथ आप ठगबंधन करके चुनाव लड़ लिए उत्तर प्रदेश में, संजय निषाद जी, उन्होंने तो मास्टर कौशल्या के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हुए कह दिया था कि भगवान श्री राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है, तो क्यों ठगबंधन नहीं तोड़ा? इसका मतलब राम आपके लिए जरूरी नहीं है, आप रामवादी नहीं है, आप वोटवादी हैं, आप राष्ट्रवादी भी नहीं है, और रामायण को तो पढ़ने की जरूरत आदरणीय अमित शाह जी
जी को है, उन्होंने ये कह दिया था अंतिम सांस लेते रावण से शिक्षा लेने भरत जी गए थे, जबकि भरत जी नहीं गए थे। रामायण को पढ़िएगा, उन्हें पढ़ाइएगा कि रामायण में अंतिम सांस लेते रावण से शिक्षा लेने लक्ष्मण जी गए थे, भरत जी नहीं गए थे। तो आपको तो अपने ही अध्ययन, अगर आप सबसे बड़े हिंदू बनते हैं तो रामायण ही नहीं आपको पता, उसी का आपने प्रकरण चेंज कर दिए। अगर आप माता कौशल्या के सत्यत्व पर प्रश्न उठाने वाले के साथ ठगबंधन कर सकते हैं तो कैसे राम भक्त हैं आप? आप तो नहीं है। और राम मंदिर को आपने बना दिया क्या? वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। हाँ, आपने चंदा चोरी की, बिल्कुल की, चंदा चंपत घोटाला किया, बिल्कुल किया, और ये मुद्दे आज भी सजीव है और इस पर हम पूछते रहेंगे आपसे। क्योंकि ध्यान रखिए, हिंदुस्तान के अंदर 100% वोटिंग होना तो असंभव है कभी भी, लेकिन जो रेशियो अगर आप देखें वर्तमान जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें से, तो 45% वाला ही सरकार बनाता है, समूचे विपक्ष में 55% वोट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जो 55% वाला है वो आपसे अधिक ताकतवर है और उसकी बात को आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, भले वो विपक्ष में हो। तो उन पर गंभीर मुद्दों पर आप जब आपसे प्रश्न किए जाए उन पर जवाब भी दिया कीजिए। हम आदर सम्मान करते हैं, आप जीतेंगे तो सुधीर जी मैं बधाई भी दूंगी, उसमें कोई व्यक्तिगत आपकी और मेरी लड़ाई नहीं है, वो एक विचारधारा की लड़ाई है जो निरंतर चलेगी। आप गौड़सेवादी विचारधारा को मानते हैं, हम गांधीवादी को मानते हैं, और उस विचारधारा पर निरंतर लड़ते रहेंगे, निरंतर आपसे पूछ रहेंगे। अंतिम सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा टच होती है मध्य प्रदेश से, आपकी सरकार भी है वहां पर, मध्य प्रदेश के बालाघाट में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक गौ रक्षक की हत्या कर दी, क्योंकि वो गौ तस्करी के खिलाफ बात कर रहा था, लोधी डाली दमाहे। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने लगातार ज्ञापन दिया कि रिहाई की जाए ऐसे की, और गिरफ्तारी बहुत लंबे समय तक नहीं हुई। बताइए कि आजादी के 75 साल हो गए, क्या सारी पार्टियां विकास को प्राथमिकता देती हैं? क्या आप सवाल ज्यादा विकास पर पूछना चाहेंगी कि आप उत्तर प्रदेश में दोबारा अगर योगी सरकार बनती है तो क्या प्राथमिकताएं हो, विकास कैसे हो, उससे सबको लाभ मिलेगा? देखिए, मैं तो आदरणीय सुदेश जी से कहूंगी, अगर उत्तर प्रदेश में अब ये रुझान अगर नतीजों में बदल गया, आप सरकार बना रहे हैं, तो वादे जरूर पूरे कीजिएगा। ये ऐसे कहने से नहीं चलता कि 15 से 20 लाख आ जाएंगे, देख के बदले 10 तड़ लाएंगे, बनारस को क्यूटो बना देंगे, 70 लाख नौकरियां दे देंगे और हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो सबसे पहली प्राथमिकता इनकी होनी चाहिए कि जो वहां के महिलाएं हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करना आपकी जिम्मेदारी है। लगातार अभी चुनाव के बीच में बुलंदशहर के छतारी के अंदर एक हाथरस जैसा रेपकांड हुआ, आधी रात हिंदू संस्कृति के विरुद्ध उस बच्ची के शव को जला दिया गया, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, योगी आदित्यनाथ जी नहीं गए उस लोधी बच्ची के घर, हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई। तो मुझे लगता है कि इंसानियत के नाते हमने दमखम के साथ लड़ाई लड़ी है, मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे को हमने ऊपर उठाकर लड़ाई लड़ी है, और ये सारे मुद्दे सजीव हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। और मैं यही कहूंगी कि आपके समय में आप एक ही काम कीजिए, जो वादे कर रहे हैं ना उन्हें बस पूरा कर दीजिएगा, उतना ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप वो करते नहीं है और बाद में आप जाति और धर्म को पैमाना बनाकर चुनाव लड़ते हैं, यही रह जाता है। जी, चलते सुदेश जी, क्या कहेंगे अगर यूपी में अब लगी रहा है 268 सीटों पे आप आगे हैं, भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी, 1985 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि सिटिंग गवर्नमेंट वापस आ रही है, क्या प्रो इनकम्बेंसी थी, क्या नए कदम होंगे विकास के लिए? देखिए, 37 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 5 साल के बाद किसी सरकार को दोबारा मौका दिया जा रहा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और सिर्फ मार्जिन से नहीं जीत रहे हैं, हमारा वोट परसेंटेज भी करीब 4 से 5% बढ़ा है, वो लोगों के बढ़ते हुए आस्था को दिखाता है इस मोदी योगी कॉम्बिनेशन को। मोदी जी के विकास के कार्य लोगों तक पहुंचे हैं, और जिन्हें पहुंचा है उनको उनका स्टेक्स डेवलप हो गया इस सरकार को कंटिन्यू करने में। मैंने वो भय देखा था, आपको लगेगा आज मैं बोल रहा हूं, मैंने 1st week of February में एक आर्टिकल लिखा था न्यूज़पेपर, उसमें मैंने यही लिखा था कि फियर नैरेटिव जो वो डिसाइड करेगा, लोगों को भय था अगर योगी जी नहीं आएंगे तो उत्तर प्रदेश में कितनी अराजकता फैलेगी। कांग्रेस की प्रवक्ता साधना जी अच्छी बातें कर रही हैं, उन सारे अच्छी बातों क्रिटिसिज्म को हम निश्चित ही माप तौल करके मापदंड बनाएंगे, क्योंकि हमें तो अपना अकाउंटेबिलिटी देना ही है। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि आज जो मुख्य विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस के एजेंडा के लोगों ने यहां तक भी स्वीकार नहीं किया है। तो मैं कोई एडवाइस देने वाला नहीं होता हूं, लेकिन हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत की जब बात करते हैं तो कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है, कांग्रेस ने इस भारतवर्ष की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन जो कांग्रेस में अभ्रंश आ चुके हैं,
जिस तरह से जनेऊधारी आप बन जाते हैं, जो आप नहीं हो दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आप पर ट्रस्ट कम होता है। करप्शन आपका कोई मुद्दा नहीं है। युवा जो है वो चाहता है कि डायनेस्टी ना हो, लेकिन बताइए क्या गांधी परिवार का छोड़ के कोई और अध्यक्ष बन सकता है कांग्रेस का? ये सब मुद्दे हैं। अगर कांग्रेस इसको रिजोल्व करे तो सशक्त विपक्ष होगी। हम तो चाहेंगे कांग्रेस जैसी पार्टी एक विपक्ष में हो, न कि कोई रीजनल पार्टी जो इसका कोई नेशनल विजन ही ना हो। साधना जी, क्या जी। परिवार के सदस्य को छोड़कर कोई और अध्यक्ष बन सकता है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, पहले ऐसा नहीं है सिर्फ गांधी परिवार के ही लोग रहे हैं, आप देख लीजिए फेरिस्ट निकाल के। और दूसरी बात, परिवारवाद कांग्रेस पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में। अगर मैं फेरिस्ट गिनाना चालू करूंगी ना, अरे अब मैं बोल तो लू। आदरणीय सुदेश जी, देखिए आपकी पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब चले गए, उनका पूरा कुछ आपकी पार्टी में है। वसुंधरा राजे जी हो उनके, चाहे उनकी बहन यशोधरा जी हो, उनके पुत्र दुष्यंत जी हो, रमन सिंह जी हो, अभिषेक सिंह जी हो, पंकज जी हो, राजनाथ जी हो, अनुराग जी हो, पीयूष गोयल जी हो, फिर आप आ जाइए इधर मध्य प्रदेश की बात कर ली, राजस्थान की बात कर ली, रमन सिंह जी की बात कर ली, जो उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, उनके बेटे राजवीर सिंह जी, उनके 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 पुत्र, नहीं परिवारवाद है कि नहीं आपकी पार्टी में? आप उससे अनछुए नहीं है, आप अनछुए नहीं है। आपकी पार्टी में तो आज तक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रही। आपने आपने कभी सुना है? आप सुन लीजिए, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भाजपा में सुना है आपने? सुना है कभी? बनाइए, बना कब बनाएंगे, कब बनाएंगे? हो जाएगा नहीं तो जो हो जाएगा आपके में भी, तो हम भी कह देंगे हमारे में भी सब होगा। तो जब आपके में जवाब दीजिए, प्रियंका वाड्रा बनेंगे, राहुल गांधी जी कहाँ अध्यक्ष हैं भाई? राहुल गांधी जी अध्यक्ष हैं क्या पार्टी के? कहाँ है अध्यक्ष भाई राहुल गांधी जी? बिल्कुल हमारी पार्टी में चुनाव होगा, चुनाव हमारी AICC में चुनाव होगा, जिसको वोट पड़ेंगे वो अध्यक्ष बनेंगे। आपको लड़ना, आप भी आ जाइए, आपको बना देंगे अध्यक्ष। तो निकाल दिए थे आप तो शहजादपुरा वाला को? नहीं नहीं नहीं, शहजाद, अरे तो आप, अरे आपकी विचारधारा से मिलते जुलते थे तो आपने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना के बिठा तो लिया, जहर फैलाने के लिए, जहर फैलाने के लिए बुला तो लिया आपने। मुझे लगता है साधना जी, जो आपने बात कही थी कि वोटर समझदार है, और लोकतंत्र में जब वोटर अपने मत का अधिकार करता है तो हम उस जनमत को जरूर स्वीकारेंगे।